नमस्कार दोस्तों न्यूज एट नाइन में आप सबका स्वागत है इससे पहले की खबरों की ओर बढ़े आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं एनएचआरसी ने पंद्रह खेल महासंघों को भेजा नोटिस चार हफ्तों में मांगा जवाब अनिवार्य आईसीसी गठित नहीं करने का है मामला दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम का किया ऐलान उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद होगा लागू पारंपरिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से करेगा रिप्लेस और दिल्ली सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट केंद्र पर तबादले को लागू न करने का लगाया आरोप फैसला न मानने पर अदालत को है सजा देने की ताकत चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंद्रह खेल महासंघों के खिलाफ नोटिस जारी किया है नोटिस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट यानी पॉश एक्ट 2013 के तहत कंपलसरी यौन उत्पीड़न शिकायत समिति नहीं बनाने के लिए भेजा गया पोश एक्ट काम के स्थान पर सेक्सुअल हरासमेंट को परिभाषित करता है साथ ही ये शिकायतों उनकी जांच और की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए प्रक्रियाओं को तय करता है शिकायतों के समाधान के लिए एक कंपलसरी सिस्टम बनाने की भी बात करता है सिस्टम के तहत दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर एक एम्प्लॉयर को अपने ऑफिस या उसके ब्रांच में एक आईसीसी यानी आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना होगा शिकायत समितियों को सबूत इकट्ठा करने के लिए दीवानी अदालतों की ताकत सौंपी गई है शिकायत समिति के पास शिकायत घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर करनी होगी हालांकि इस संबंध में आईसीसी समय सीमा बढ़ा सकती है और अगर उसे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें महिला उस अवधि के भीतर शिकायत नहीं कर सकती थी तो शिकायत मिलने पर आईसीसी या तो पीड़िता की शिकायत को पुलिस के पास भेज सकती है या फिर खुद जांच शुरू कर सकती है अगर समिति जांच शुरू करती है तो उसे जांच को नब्बे दिन के भीतर पूरा करना होगा जांच शुरू करने से पहले अगर शिकायतकर्ता द्वारा सुलह की गुजारिश की जाती है तो शिकायत समितियों को सुलह पर भी विचार करना होगा इसके अलावा महिला आरोपी या गवाह की पहचान पूछताछ की जानकारी जांच की सिफारिश या फिर की गई कार्रवाई किसी को सार्वजनिक नहीं करना होगा सिफारिशों से पीड़ित महिला या आरोपी सहमत नहीं होंगे तो वे नब्बे दिन के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं एक्ट की धारा चौदह झूठी या गलत शिकायत और झूठे सबूत के लिए सजा का भी प्रावधान करती है एक्ट असंगठित क्षेत्र या छोटे संस्थानों में यौन उत्पीड़न की समस्या से निपटने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपती है इसके लिए राज्य सरकार हर जिले में जिलाधिकारी को सूचित करेगी जिलाधिकारी एक एलसीसी यानी लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेगा एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयर इस एक्ट के प्रावधानों का पालन न करता है तो उस पर दंड लगाने का भी प्रावधान है दंड के रूप में उसे जुर्माना वसूला जा सकता है बार बार उल्लंघन करने पर दंड को ज्यादा करने और कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है दिल्ली सरकार ने मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 के ड्राफ्ट का ऐलान किया है उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे दिल्ली के लिए लागू किया जाएगा इसे दिल्ली में कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए लगाया गया है इसका मकसद प्रदूषण को कम करना इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करना है स्कीम पारंपरिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ बदलने के लिए समय सीमा भी तय कर सकता है इसमें टू और थ्री व्हीलर के लिए अधिकतम समय चार साल तय किया गया है जबकि फोर व्हीलर के लिए इसे पाँच साल तय किया गया है टू व्हीलर में केवल सामान ढोने वाले वाहनों को कवर किया गया है वहीं थ्री और फोर व्हीलर में सामान और पैसेंजर दोनों ढोने वाले वाहनों को कवर किया गया है इन सभी वाहनों को तय वक्त में चरणवार तरीके से रिप्लेस किया जाएगा साथ ही ये एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को धीरे धीरे पारंपरिक से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच कराएगी इसके अलावा योजना एग्रीगेटर्स के लिए सभी वाहनों में पैनिक बटन लगाना और इसे 112 दिल्ली पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ जोड़ना अनिवार्य कर देगी इस योजना में सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा एक तंत्र बनाने की बात की गई है ये तंत्र कस्टमर के शिकायतों का समय पर निपटान करेगी इसके अलावा खराब प्रदर्शन वाले ड्राइवर्स को मौका देने के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लागू होगी जो डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से पैसेंजर सर्विस उपलब्ध कराती है ये स्कीम उस पर भी लागू होगी जो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए किसी विक्रेता ई कॉमर्स इकाई या कंसाइनर के साथ ड्राइवर को जोड़ती है आप सभी के लिए जरूरी सूचना स्टडी हिंदी हिंदी टीम माध्यम में पांचवा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ चुकी है 11 मई से यह बैच शाम में छह बजे शुरू हो चुका है 20 मई तक इस कोर्स में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है इस कोर्स में प्रतिदिन ढाई से तीन घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं एस यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने धरना दे रहे पहलवानों की ओर से बनाई गई सलाहकार समिति के सदस्यों से मुलाकात की एसएआई भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है इसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है इसे 25 जनवरी उन्नीस को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया गया इसे भारत में खेलों के विकास के लिए स्थापित किया गया है और यह 1982 में नई दिल्ली में आयोजित नौवे एशियाई खेलों का उत्तराधिकारी संगठन है इसका मुख्यालय दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है एस को खेलों को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के दोहरे काम सौंपे गए हैं एस के पास दो खेल शैक्षणिक संस्थान बारह क्षेत्रीय केंद्र चौदह के करीब उत्कृष्टता केंद्र छप्पन के आसपास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर और लगभग बीस स्पेशल एरिया गेम्स है इसके अलावा एस हिमाचल प्रदेश में स्थित नेताजी सुभाष हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पांच स्टेडियमों का प्रबंधन भी करता है ये पांच स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम इंदिरा गांधी खेल परिसर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज इसके अलावा पंजाब स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और केरल के लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन दो इसके खेल अकादमिक संस्थान है यह संस्थान शारीरिक शिक्षा और खेल चिकित्सा में पीएचडी लेवल के कोर्सेज के लिए रिसर्च और सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हैं उधर सेवा सचिव के तबादले के मुद्दे पर दिल्ली सरकार आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उसने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सेवा सचिव के तबादले को लागू नहीं कर रही है इससे संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस अदालत के आदेश की अवमानना हो सकती है किसी अदालत के फैसले का विरोध या अनादर करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में भी जाना जाता है अदालत के के पास खुद की अवमानना के खिलाफ सजा देने का अधिकार अधिकार होता है यह अधिकार उसे संविधान से मिला है और इस संसदीय कानून द्वारा भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता संविधान का अनुच्छेद 142 के क्लॉज दो कहता है कि संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च अदालत के पास अपनी अवमानना की सजा पर कोई भी आदेश देने की पूरी ताकत होगी जबकि अनुच्छेद एक कहता है कि सर्वोच्च अदालत अभिलेखों का न्यायालय होगा और उसके पास अवमानना के लिए दंड देने की ताकत सहित इस प्रकार के अदालत की सभी शक्तियां होंगी इसी के तहत उन्नीस में सर्वोच्च अदालत ने व्यवस्था दी कि सजा देने की ये ताकत न केवल सर्वोच्च अदालत के पास है बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च अदालतों निचली अदालतों और पंचायतों को भी है अदालत की अवमानना के लिए संसद ने न्यायिक अवमानना अवमानना अधिनियम पारित किया है इसके तहत के लिए छह माह तक के लिए जेल या दो हजार रूपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं अदालत की अवमानना सिविल या क्रिमिनल दोनों प्रकार की हो सकती है सिविल अवमानना का मतलब ये होता है कि स्वेच्छा से किसी फैसले आदेश न्याय को न मानने से है जबकि क्रिमिनल अवमानना का मतलब होता है किसी ऐसे कंटेंट को छापने या ऐसा काम करने से जिसमें अदालत की स्थिति को कम आका गया हो या उसे बदनाम किया गया हो या फिर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना हो या न्यायिक प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना हो हालांकि किसी मामले का निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण न्यायिक रिपोर्ट की निष्पक्ष और उचित आलोचना या टिप्पणी को न्यायालय की अवमानना नहीं माना गया है आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देते हैं अनुच्छेद एक अनुच्छेद एक अनुच्छेद एक और अनुच्छेद एक अनुच्छेद एक नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए केवल एक दो तीन और पांच केवल तीन केवल एक दो और पांच केवल एक दो और तीन अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है पोष एक्ट के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति के पास दीवानी अदालत की शक्ति होती है उपयुक्त में से गलत कथनों का चयन कीजिए केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा से अठारह के विद्रोह का, का कारण है आर्थिक शोषण धार्मिक व सामाजिक भेदभाव रॉलेट एक्ट भारतीय शासकों की बेदखली कुशासन के बहाने अवध का विलय चर्वी वाले कारतूस का इस्तेमाल नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने केवल एक दो पाँच और छह केवल छह केवल एक और पाँच और छह केवल एक दो तीन पाँच और छह सही जवाब है विकल्प डी यानी केवल एक दो तीन पाँच और छ अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अनुच्छेद 179 विधानसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 239 थर्टी नाइन ए ए को इकसठवें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान का हिस्सा बनाया गया उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही कल मिलेंगे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद